सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज़ाद बॉडी मेकर। गाइस सामने जो अपने गाड़ी खड़ी है वो है अशोक लीलैंड एक्सएल वाली वेरिएंट के। अगर आप आओगे एलएस वाला ये वेरिएंट आपके सामने खड़ा है। एलएस और एलएक्स में अंदर फ़र्क सिर्फ इतना होता है, एलएस वाला जो होता है पावर स्टीयरिंग होता है लेकिन एसी नहीं होता। इस गाड़ी के अंदर आपको एसी नहीं मिलेगा लेकिन पावर स्टीयरिंग, बाकी सब फीचर्स वही मिलेंगे। तो इस गाड़ी की अगर आप ऑन रोड की गाइस बात करते तो मैं खड़ा हूँ इस टाइम एआरपी मोटर्स अशोक लीलैंड, बुलंदशहर में पड़ती है गाड़ी। अगर आपको गाड़ी प्रोवाइड करनी है वाली लेनी है तो आप ले सकते हो इनसे 8,30,000 के ऑन रोड प्राइस पर, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। 8.5 लाख रुपए की कीमत है लेकिन 20,000 का डिस्काउंट, बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको ये दे देंगे। सबसे पहले आप फ्रंट प्रोफाइल इस गाड़ी की देखो तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। सेंटर में आपको अशोक लीलैंड का यहाँ बैजिंग मिलती है, सेंटर में इसका लोगो, लुक वाइज कुछ इस तरीके से दिखती है गाड़ी। है यहाँ पर सेंटर लाइट मिलेगी आपको, हेलोजन येलो वाली लाइट, रिफ्लेक्टर और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है आपको। फ्रंट के अंदर जो आप देखोगे इसका बम्पर, वो है फैब्रिक, बम्पर है फैब्रिक। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। बड़ी सी इसकी विंडशील्ड है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर दो वाइपर जो कि इसको साफ़ करने के लिए, और बड़ा अच्छा खासा इसमें कैबिन के अंदर स्पेस आपको मिल जाता है। गाड़ी की अगर आप ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे गाइस, तो गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 15 फुट 2 इंच की इसकी लेंथ। अगर आप गाड़ी की पूरी की लेंथ बताऊँगा मैं आपको, वो इतनी फुट है, 15 फुट के आसपास इसकी लंबाई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। और इस गाड़ी के सबसे पहले हम कैबिन को आप दिखाता हूँ मैं आपको गाइस। कैबिन इसका कुछ इस तरीके से है, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो कैबिन की बात तो हम करेंगे बाद में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इंसान के लिए पीछे की इसकी लोड बॉडी। अगर कोई भी बंदा लेना चाहता है तो ये लोड कितना उठाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसकी सारी बात बताता हूँ। पीछे की जो इसकी लंबाई है, लंबाई मिलती है आपको 9.5 फुट के करीब इसकी लंबाई मिल जाती है, और 5 फुट 3 इंच की इसकी चौड़ाई है गाड़ी की। पीछे की जो लोड बॉडी है उसकी 1 फुट 4 इंच की इसकी हाइट है, जो पीछे की लोड बॉडी है उसकी। तो ये आपको मिल जाता है। लोड बॉडी जो अपनी इस पर बनवाना चाहो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। साथ ही साथ ये लोड कितना उठाएगी वो मैं बताता हूँ। 1400 किलो इस गाड़ी के ऊपर पास है चलाने को, आप 3 टन 4 टन में लोग चला लेते हैं आराम से। तो इतने टन पर इसके ये जो 1400 टन है कंपनी ने इसमें आपको पेलोड दिया है। गाड़ी का अगर ओवरऑल आप वेट देखोगे, इस पूरी गाड़ी का जो वेट है वो 2625 किलो की ये गाड़ी है। ये न्यू वेरिएंट है एलएस। अब इसके टायर देखते हैं तो गाइस 4 टायर तो मिलते ही हैं। तो टायर इसके अंदर आपको जो मिल जाते हैं वो मिलते हैं 14 इंच के टायर, R14 C8 के इसके अंदर टायर मिलते हैं। एक साइड की यहाँ पर बैटरी आपको मिल जाती है। कमानी पट्टे आप देखोगे तो ये सस्पेंशन है इसका, ये रहा देखो मोटे मोटे बिल्कुल। तो बढ़िया इसके अंदर सस्पेंशन मिल जाता है, मरगार्ड कंपनी ही दे देती है। साइड से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो उसको, पीछे की साइड से कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। सेंटर में आपको अशोक लीलैंड की बैजिंग आपको मिल जाती है दोनों ही साइड, इधर और इधर दोनों साइड। बैक लाइट और स्पेयर व्हील रखने की जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक ये रिवर्स पार्किंग सेंसर है, एक ये रिवर्स पार्किंग सेंसर और एक ये। तो ये है सेंटर में आप देखोगे बैक साइड में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर की लाइन मिलती है और अशोक लीलैंड बड़ा बड़ा लिखा हुआ। अंदर की साइड से आप देखोगे गाइस तो कुछ इस तरीके से इसकी लोड बॉडी आपको दिखेगी। 1400 लोड पर ये पास है, और इंजन भी इसके अंदर आपको 1478 cc का मिल जाता है। और जो हॉर्स पावर है इसके अंदर 70 हॉर्स पावर इसके हिसाब से गाइस बढ़िया है। इंजन की अगर एफिशिएंसी बढ़ा देती है, 1.3 लीटर का इसके अंदर BS6 का इंजन मिल जाता है आपको। डीजल इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, और 70 की हॉर्स पावर के साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। न्यूटन मीटर ये होता है गाइस, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का जो पिकअप है वो कितना हाई है, तो 170 आपको बढ़िया इसके अंदर पिकअप भी मिल जाता है। 8,30,000 की रेंज में इससे बढ़िया डील मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही है कोई भी। टैंक की बात करें तो गाइस 40 लीटर का इसके अंदर आपको डीजल टैंक मिलता है। कंपनी बोलती है कि हम 18 किलोमीटर प्रति लीटर इसका जो एवरेज है वो कंपनी क्लेम करती है कि आपको 18 के आसपास का ये एवरेज दे देगी। तो गाइस 1400 किलो पर ये गाड़ी पास है। 8,30,000 इसका एक शोरूम है। 9.5 फुट इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 63 इंच के आसपास है। R14 के इसके अंदर टायर हैं, बैटरी है, और अच्छा खासा लोड ले आएगी। और अशोक लीलैंड का नाम भी साथ में आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये गाड़ी 8,30,000 की मुझे बेस्ट लग रही है। क्योंकि अगर आप पिकअप पर जाओगे तो 8.5 लाख की है। फीचर्स लगभग ऐसे ही हैं लेकिन 8,30,000 में आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। और मैं नीचे आपको शोरूम की भी डिटेल डाल दूँगा जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो अब तो रही इसकी बात, हमने लोड बॉडी की कर ली, अब गाड़ी के हम अंदर भी चलते हैं गाइस, अंदर देख लेंगे क्या मिलता है आपको। सबसे पहले आप साइड प्रोफाइल देखो कैबिन की, इस तरीके का इस गाड़ी का कैबिन है। मिरर, साइड के मिरर ये रहे, साइड के इसके जो मिरर हैं, अब इसको खोलो तो खोलने के बाद गाइस ऐसी आपको गाड़ी ये दिखेगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच है, यानी सॉफ्ट है, बोतल होल्डर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैंडल और यहाँ पर ये लॉक इसको ओपन करने के लिए, साथ ही साथ शीशे ऊपर नीचे करने के लिए जगह, और ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। इधर के साइड से कैबिन आप देखोगे तो सिंपल कैबिन, अशोक लेलैंड का कोई सा भी आप मॉडल ले लेना, वो आपको इसी तरह का कैबिन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। सीट जो है आपको एडजस्टेबल मिलती है, आप आगे पीछे कर सकते हैं और या फिर इसे डाउन और बैक कर सकते हैं सीट को, दो बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक, जो कि आपको देख सकते हो ये वाला। इधर की साइड से कुछ इस तरीके से आपको कैबिन के अंदर स्पेस मिल जाता है, कैबिन के अंदर अच्छा खासा स्पेस है, आप दो बंदे तो आराम से चले ही जाएंगे बैठ कर। तो ये इसके अंदर से है, दोनों ही साइड सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती हैं। अब मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ गाइस, गाड़ी के अंदर चाबी जो है पहले आप देख लो, चाबी इस तरीके की मिलती है आपको, बड़ी सी चाबी मिलती है। तो इसके अंदर जब आप चाबी लगाओगे और मैं सीट को बैक कर देता हूँ, तो सीट बैक करने के लिए ये सिस्टम है, ये बैक हो गई सीट। अब मैं गाड़ी के अंदर एक बार आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। ओहो, ये मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ गाइस, इसको कर देता हूँ बंद। तो ये रहा गाइस अंदर बैठने के बाद, सेंटर में आपको मिलेगा अशोक लीलैंड का यहाँ पर लोगो, इसको ऑन भी कर देते हैं गाइस। तो ऑन करने के लिए ये लो सामने क्या क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड दिखाएगा, कितने किलोमीटर चल रही है वो चीज़ दिखाएगा, टाइम क्या हो रहा है वो दिखाएगा, आरपीएम काउंट होता है जो गाड़ी की जगह एकदम पिकअप लेते हैं स्टार्ट करते हैं तो रेस जो हम देते हैं एक्सीलरेटर वो दिखाएगा, यहाँ पर गाड़ी के अंदर कितना ऑयल है पेट्रोल है वो आपको दिखाएगा, और गाड़ी का टेम्परेचर भी आपको दिखा देगा। तो ये गाइस आपको मिल जाती है अशोक लीलैंड के सामने, मीटर इलेक्ट्रिक पूरा मीटर है। पावर स्टेयरिंग मिलता है आपको, ये आप देख सकते हो, यहाँ की साइड वाइपर कंट्रोल है, अगर आप ऊपर करोगे तो वाइपर नीचे हो जाएंगे, दिखाता हूँ आपको, ये लो दिख गया ना। तो ये इसके अंदर वाइपर का कंट्रोल है। इधर की साइड आपको लाइट कंट्रोल मिलेगा ये वाला, अगर आप आगे करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगी लाइट। तो ये आपको मिल जाता है आगे की लाइट, ये नीचे को और ये ऊपर को, तो ये इंडिकेटर का भी सिस्टम आपको मिल जाता है। अंदर की साइड आपको डैक सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन डैक सिस्टम की आपको जगह मिल जाती है, मैं आपको गियर निकाल के देता हूँ, गियर में ही बोल रही थी, अशोक लीलैंड का यहाँ पर डैक सिस्टम आप लगवा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको मिलता है चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट का इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। गियर सिस्टम की आप बात करोगे तो गाइस गियर सिस्टम जो मिलता है 1 2 3 4 5 गियर इसके अंदर आपको मिलते हैं, एक रिवर्स गियर ये रहा, बीच में आप एक बंदा और बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर सीट नहीं है लेकिन जगह है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो हैंड, अगर आप बंदा कोई बैठा है यहाँ पर वो पकड़कर इसमें बैठ सकता है अपना हैंड सपोर्ट के लिए है। यहाँ पर आपको सनलाइट इधर साइड नहीं मिलती, लेकिन इधर साइड आपको सनलाइट की छुपाने की जो आप इंस्ट्रूमेंट है वो आपको मिल जाता है। बैक साइड में आप अपने अगर सामान की रखवाली करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ से आप अपने सामान के पीछे की साइड की रखवाली कर सकते हैं देख कर लोड बॉडी में। इधर की साइड से यहाँ पर आपको मिलता है गाइस इसके अंदर स्पेस, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर अशोक लीलैंड के सारे जो भी आपको पेपर वगैरह रहने हों या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने इस ग्लोव बॉक्स में आप रख सकते हो। तो ये है सामने का डैशबोर्ड, बड़ी सी विंडशील्ड है, अगर आप इसको चलाओगे काफ़ी कंफर्टेबल है, चलाकर आप देखना इस गाड़ी को, आप जाना किसी भी शोरूम पर ट्राई ले लेना अपने आसपास के शोरूम पर, और गाइस एक बार प्राइस पूछ लेना जो भी प्राइस हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ एआरपी मोटर्स यहाँ पर जो लिख रहा है इस बंदे से कॉल कर लेना, मैं नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, ये आपको सस्ती प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ के शोरूम पर 8,30,000 रुपये इस गाड़ी का फ़िलहाल रेट है। मैं खोल देता हूँ, यहाँ पर नीचे इसके ABC पैडल, यहाँ पर क्लच, ये रहेगा इस क्लच, ब्रेक और ये एक्सेलरेटर, तो ये भी इसके अंदर हो गया। अब मैं गाड़ी के बाहर चलता हूँ और थोड़ी इसके इंजन वगैरह के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंजन है वो 1478 सीसी का इंजन है, 1.3 लीटर का डीजल इंजन है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। 70 की इसके अंदर हॉर्स पावर है और 170 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, यानी इसके हिसाब से 1400 लोड के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। 70 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर। गाड़ी का जो टंकी है वो 40 लीटर की है और 18 का इसके अंदर
आपको माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब 18 में आप लोडिंग पर चलाओगे तो 17, 16.5 जो भी आपको मिलेगा वो आप चला कर देख लेना, और किसी पर ये गाड़ी होगी तो मैं उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। तो ये साइड प्रोफाइल रही, R14 के टायर यानी 14 इंच के इसके अंदर टायर हैं, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलेंगे, एक साइड के इसके अंदर बैटरी मिलेगी, अंदर चार्जिंग पॉइंट मिल गया। और गाइस इस गाड़ी के अंदर क्या रहा, गाड़ी का जो पूरा ओवरऑल वेट है वो 2625 किलो का इसका गाड़ी का पूरा वेट है। गाड़ी की जो लेंथ है 15 फुट लंबी है ये गाड़ी पूरी, अगर आप लेंथ देखोगे 15 फुट 2 इंच के आसपास इसकी लेंथ है, और इसकी लोड बॉडी की जो पीछे की लेंथ है 9.25 फुट इसकी लंबाई है, और इसकी गाड़ी की जो चौड़ाई है 8 फुट वो आपको 5 फुट 3 इंच की इसकी चौड़ाई है, जो कि अच्छी खासी है। और इसके अंदर वेरियंट भी अलग अलग हैं गाइस, यानी इस गाड़ी के अंदर और भी वेरियंट आते हैं जिसके अंदर AC भी आ जाता है। इससे ऊपर लोग आप LX वाला वेरियंट, वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाएगी 20-25 हज़ार रुपये, तो उसके अंदर AC आ जाएगा, या आपको इससे सस्ती लेनी है तो यही चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको पावर स्टेयरिंग नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला वेरियंट अच्छा है, AC अगर आप लेना चाहो गाइस तो आप ले सकते हो, AC वाला भी वेरियंट आपको मिल जाएगा। तो ये है आज की इस वीडियो के अंदर जो कि मैंने आपको गाइस सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी जो मोटी मोटी आपको इस गाड़ी के बारे में चाहिए। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब आएगी वीडियो, क्योंकि गाइस वीडियो आएगी तो अच्छी आएगी, तो इसीलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ एक चीज़ और, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है फुल, जो कंपनी आपको बताती है। तो ये रही आज की अशोक लीलैंड, जो कि मैंने गाइस आपको इसके बारे में आज पूरी डिटेल दे दी, चेचीज़ वगैरह सब मैंने आपको बता दिया, इसका बढ़िया मजबूत आता है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो एक बार अपने शोरूम पर जाकर विजिट कर लेना, और सस्ती गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर ARP मोटर अशोक लीलैंड बुलंदशहर आ जाना, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लेना, इनसे मैं नीचे नंबर डाल दूँगा। तो गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।